गायों की मदद करो, गायों की मदद करो, अत्याचार बंद करो, अत्याचार बंद करो। बलदेव विकास खंड क्षेत्र के गांव बरौली में गायों की सुरक्षा के लिए बनाई गई गौशाला उन्हीं के लिए काल साबित हो रही है। ग्रामीणों का दावा है कि अब तक भूख प्यास से बनाई गई अस्थाई गौशाला में लगभग 2 से 3 दर्जन गायों की असमय मौत हो चुकी है। ना तो ग्राम प्रधान और ना ही सरकारी तंत्र गायों के चारे पानी की कोई व्यवस्था कर पा रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि वीडियो से बात करने पर वो कहते हैं कि ग्राम प्रधान गौशाला में चारे पानी का इंतजाम करेगा, तो वहीं ग्राम प्रधान और सचिव ने अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया है। नतीजतन करीब 40 दिनों से बरौली के ही ग्रामीणों ने जैसे तैसे गायों का पालन पोषण किया है, लेकिन वो पर्याप्त नहीं हो पा रहा है और चारे पानी के अभाव में दिन प्रतिदिन गाय दम तोड़ रही हैं। यहां तक कि गौशाला में मरी हुई गायों के अंतिम संस्कार के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई है, जिसकी वजह से उन्हें चील कौवे और कुत्ते नोच नोच कर खा रहे हैं। इससे धार्मिक भावनाएं भी आहत हो रही हैं। इस समस्या को लेकर ग्रामीणों ने गौशाला पर जाकर जमकर नारेबाजी की और प्रधान से गायों के चारे पानी की व्यवस्था कराने की मांग की, लेकिन ग्राम प्रधान व्यवस्था कराने की बजाय अपनी जिम्मेदारी से बचते हुए नजर आईं। वहीं जब इस संदर्भ में ग्राम प्रधान से इस समस्या के बारे में बातचीत की गई, तो ग्राम प्रधान ने अपना मुंह फेर कर हाथ हिलाकर मना कर दिया। यहाँ तो आने एक सेकंड बात करनी है, जो बताओ। एक सेकंड में कुछ पूछना है वो जवाब दे दो आप। कारण क्या इसी का? ज्यादा बात ना करते भाई, तो गैया होगी, इनकी समस्या का क्या समाधान होगा? बताओ प्रधान, तो बताओ भाई बारे के। अरे ग्यारह में बैठे हैं, घड़ी घड़ी पे बैठे हैं, नौ बैठे हैं, ये कोई दलाल हो रही है? क्या नाम है आपका? भूपेंद्र। कहाँ के रहने वाले? बरौली का। क्या मसला है, नारेबाजी कर रहे हैं? मसला ये है कि जहाँ गौशाला बनाई है, गऊ बंद है इसमें, न तो इनके लिए कुछ खाने की व्यवस्था है, न कुछ पीने की, न कोई उपचार की। रोज दो चार गाय खत्म हो रही है। तो किसी अब भी इसमें पड़ी हुई है गाय, जिसको कुत्ता खा रहे हैं। न तो उनके गाड़ने की व्यवस्था है, न कुछ हो पा रहा है, न कोई प्रशासन कर रहा है, न कोई प्रधान कर रहा है। किसी के पास फोन करो, अभी सेक्रेटरी के पास फोन किया, मेरे पे कोई व्यवस्था नहीं। प्रधान से कहो, चार चार दिन प्रधान नहीं आ रहा है यहाँ। सेक्रेटरी का नाम क्या है? सेक्रेटरी का नाम मुझे पक्का पता नहीं। जितेंद्र है शायद। जितेंद्र है। क्या बोल देता सेक्रेटरी? अभी मैंने फोन किया करीबन आध घंटे पहले, जो कर मेरे पास कोई व्यवस्था नहीं, अपने प्रधान से बात करो। मैंने, तुम अधिकारी हो, तुम कुछ करो, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा इसमें। अब यह सबसे ज्यादा समस्या किस चीज को लेकर आ रही है? समस्या से है, न तो इनके खाने की व्यवस्था, चारा नहीं है, न पानी की है, कुछ नहीं है, न उपचार की है। अभी आप देख लो, उसमें अंदर मड़े हुए पड़े हैं और कुत्ता भी खा रहे हैं उनको, और गड़े हुए हैं करीबन, अब जो करीबन महीना भर हो गया, महीना सवा महीना, जब से करीब 30-35 गाय इसमें खत्म हो चुकी है। इनकी कोई व्यवस्था नहीं है, न कोई सरकारी व्यवस्था है, न कोई वैसी व्यवस्था है। अब तक जितनी भी व्यवस्था की है, गाँव वालों ने की है, और गाँव वाले ही खवा रहे हैं इनको। अब गांव वाले कब तक व्यवस्था करेंगे? गौशाला नहीं बनी है? नहीं, कोई गौशाला नहीं है, सब नष्ट हो रही है। गौशाला की निर्मित हो रहे हैं, सब चीज व्यवस्था होनी चाहिए यहाँ पे। क्या नाम है आपका? अजीत सिंह। किस क्या है, आप गांव के प्रधान है? प्रधान तो ना है, तो चलो प्रधान मान ले तो कछु मान लियो, पर बात ये है, अस्थाई गौशाला खोली, कोई व्यवस्था ना है रही, और प्रधान अधिकारी रोजाना कह जाता मैं चारों लाए रहा हूँ। प्रधान कौन है? हंसो। चारो कोई लहरो ना है, रात में 7:45-9 बजे घुसल आए हम, रात में ला के खुद लाए उन्हें दवाई के, 7:45 घुसल आ रहे हो रात में ला के, और वो तो हाथ खड़े करते हैं, वो बना करवाते करो तो बनाए तो कई गौशाला खुलवाई भाई तुमने, और वीडियो साहब पे फोन करो, वो जो कह रहे प्रधान करेगी व्यवस्था, प्रधान का व्यवस्था कर रही, कोई ना व्यवस्था कर रहा, राम भाई कर रहे व्यवस्था। अब तक कितनी गैया मर गई है? अब तक गैया मर गई होंगी कम से कम 20 गैया तो मर गई होंगी अब तक, अभी तो 2 तो पड़ी है जम टंकी में, 20 तो मर गई होंगी अब तक, 20 गैया तो मरी गई अब तक। छोटे मोटे लवारे कितना टाइम हो गया इन गैयाओं में बंद हुए? 40 लगभग है गए, हाँ 31 दिन तो मान ही लो, 30 दिन हो गए गैया। तो इनका खाना पीना? खाना पीना घाम भाई ने कर रहा, सहयोग होते संबंध, प्रधान कोई हेल्प नहीं कर रहा है? कोई हेल्प ना कर रहा कोई। अच्छा, आपने बातें की प्रधान से? कौन आप लोगों ने? हम तो अब कर रहे हैं बात, वालू करी बात, हमने क्या क्या बोल रहा है, क्योंकि अब काम में कहां देगा व्यवस्था करूँ, काम तो कहां दे पैसा लाऊं मैं बताओ? सरकार दे रही ना, सरकार दे रही ना, कोई दे रहा ना, मैं कहां दे व्यवस्था करूं? खेत बेच के लाऊं
हाँ और कहा करे बताओ, गांव भाई तो सहयोग कर रहे हैं, ना तो फिर खोलेंगे, देखेंगे क्या तो व्यवस्था होगी, नहीं खोल देंगे।